इस जगत में सबसे न्यारा है मेरा देश, दुश्मन को भी जो प्यार सिखा दे, ऐसा है मेरा देश। सात रंग के जहां फूल हैं खिलते, वो है मेरा देश। प्रेम की भाषा बोलने वाला भारत है मेरा देश। दोस्तों, आज हम अपने चैनल YouTube की सीरीज जरा याद करो कुर्बानी में शहीद भगत सिंह के बारे में एक अनसुनी दास्ता बताने जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह की शहीद अजम बनने की कहानी बहुत रोचक है। 1929 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असेंबली में बॉम्ब फोड़ने की योजना बनाई जा रही थी। उस दौरान भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की भी भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई। जब असेंबली में बॉम्ब फेंकने की जिम्मेदारी की बात आई, तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को ये जिम्मेदारी देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि भगत सिंह की दल में बहुत ही जरूरत है। तभी भगत सिंह के दोस्त सुखदेव सिंह ने उन पर ताना कसा कि वो उस लड़की की प्रेम के कारण वो बॉम्ब को फेंकने नहीं जा रहे हैं। भगत सिंह बहुत उदास हुए और उन्होंने दबाव बनाकर अपना चयन करा। भगत सिंह कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। उनके परिवार वालों ने उन्हें कई बार शादी के लिए मनाया। एक बार तो उनका रिश्ता भी तय हो गया था, पर वो इसी कारण किसी को बिना बताए घर छोड़कर चले गए और एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि उनका जन्म सिर्फ भारत माता को आजादी दिलाने के लिए हुआ है। जब तक भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से नहीं निकाल देते, तब तक वो खुद किसी जंजीर में नहीं बन सकते। दोस्तों, हम अपनी सीरीज जरा याद करो कुर्बानी में अगली कहानी जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे शहीदों की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियां सुने जिसे हमारे दादा और परदादा सुनाते थे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।